DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए हमने जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया उससे कांग्रेस की आंतरिक कलह सामने आई और उसमें जो कांग्रेस से नाराज विधायक हैं, बीएसपी हैं और निर्दलीय हैं, उनकी मनवार होने लगी। जिनको कभी समय नहीं मिलता था, आज पूरा समय मुख्यमंत्री जी उनको देने लगे हैं और पूरी तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, जिसमें उन्होंने सीमाएं केवल बाहर जाने के लिए लागू की जब बाहर से आने वालों के लागू होनी चाहिए, इन परिस्थितियों के बावजूद अंतरात्मा की आवाज़ अपने रंग दिखा सकती है। जनता के अंदर इस प्रकार का भाव है कि इसमें राशन के लेकर के, कोरोना की बीमारी को लेकर के सारी जनता त्रस्त है और कांग्रेस के विधायक इस समय बड़ी होटलों में मस्त हो रहे हैं। एक पूरे 1.5 करोड़ से अधिक उस पर खर्च हो रहा है। इस प्रकार का स्थिति बनी उससे जनता में तो नाराज़गी है ही, लेकिन साथ में विधायकों को बिकाऊ की श्रेणी में रखने से सारे विधायकों में भी आक्रोश है। उसका परिणाम निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव के समय सामने आएगा और ये जो आंतरिक कलह है कि वो राज्यसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी। हमने कभी भी कांग्रेस की, चूँकि दाढ़ी चोर की दाढ़ी में तिनका है कि भाई बार बार कह रही हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, हमने कभी नहीं कहा हमारे दो उम्मीदवार जीतेंगे, उनका एक जीतेगा, ऐसा हमने कभी कहा नहीं। क्योंकि चोर की दाढ़ी के तिनके के कारण ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। यह जो आंतरिक कलह है निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव में भी अपनी रंगत दिखा सकती है या फिर उसके बाद भी दिखा सकती है। इसमें ज़रा समय का इंतज़ार करना चाहिए और जनता को अपेक्षा है कि कांग्रेसी विधायक हैं अपने क्षेत्र में काम करें, 10 दिन बड़ी होटलों में आराम की तुलना में ज़रा जनता के दुख दर्द के सुध लें, यह इनसे अपेक्षा है। लेकिन इस चुनाव में केवल शुद्ध राजनीति के कारण आज जनता इस सब को एक बड़ी गहराई से देख रही है, जिसका समय आने पर परिणाम आएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो है और जो पिछले 1.5 साल से जो दूरियां बनी हुई हैं उसके भी संकेत इसमें मिल रहे हैं। रमेश मीणा भी अभी तक वहां पर मंत्री होते हुए भी नहीं पहुंचे हैं और उसके पहले विश्वेंद्र सिंह और बाकी लोगों के जो बयान हैं यह भी संकेत दे रहे हैं। तो ये आंतरिक कलह कहां तक जाएगी इसमें अभी आंकलन किया जा रहा है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कांग्रेस का घर ठीक ठीक नहीं है। इतना सारा केंद्रीय नेतृत्व तो भी आकर के यहाँ बैठा है, फिर भी इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही हैं ये कहीं कुछ और ही कहानी कही जा रही है, जिसकी जानकारी परिणाम 19 जनवरी को सबको दिखाई देगी। भाजपा पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त चल रही है, 25 करोड़ की न्यूनतम कीमत भी बताई उन्होंने, तो उसका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करती, चूँकि ये अपना घर नहीं संभाल पाते हैं। अब ज्योतिराव सिंधिया कभी पैसों के कारण बाहर आएंगे क्या? उनको जिस प्रकार से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, उनको सम्मान नहीं दिया और नेतृत्व ने उनको मिलने का समय नहीं दिया, इसके कारण से परेशान होकर के गए और यही स्थिति कर्नाटक में रही और आज भी उसी प्रकार की स्थिति राजस्थान में बन रही है। ये स्थिति परिणाम कब देगी आवश्यक नहीं है कि राज्यसभा के चुनाव के समय ही सारी परिणाम आ जाएं, लेकिन हाँ अंदर चिंगारी ज़रूर लगी हुई दिखाई देती है।